जय माता जी। अक्षय भाई मेरे को बिलाऊ मिला है। घूम। अरे रहने दे। क्या ब्लॉग ना बनाऊं? नहीं चल रहा तो फिर जिनसे चीजें भी डिसाइड नहीं करी जाती। सो प्लान करा था इन्होंने शिमला चलेंगे इस वीकेंड, बट वो तो हुआ नहीं और उसकी जगह इन्होंने वैष्णो देवी का प्लान कर दिया। अब हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, अभी भी नहीं पता जाते जाते रास्ते में फिर कुछ चेंज हो सकता है, तो व्लॉग स्टार्ट मेरे को थोड़ा लेट करनी पड़ी। पर मैं कहा आपके आप बिल्कुल पहुंच के थोड़ी करता, तो इसलिए मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, जाते हुए देखते हैं क्या ये लोग प्लान बनाते हैं। तो अभी बस मैं घर जा रहा हूँ, एक बार डिनर करूँगा, बैग पैक करूँगा, मम्मी को भी नहीं बताया मैंने, जाते हैं फटाफट बैग वैग पैक करते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं दो तीन दोस्तों से, फिर रात में निकलते हैं 11 बजे तक। हम सुबह तक पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से, 12-13 घंटे का ही रास्ता है। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, ये लोग गए हुए हैं पहले। घर आके सामान तो मैंने निकाल लिया बाहर, अब इसको बैग में डालना है, ये सब रखे मेरे कपड़े, ये रहा मेरा बैग, अभी बस ये सब पैक करते हैं फटाफट। एक तो ना मेरी आदत भी थोड़ी चीज़ें ना एक्स्ट्रा रखने की, वैसे तो एक टी शर्ट दो टी शर्ट में बहुत रहेगा, पर फिर भी थोड़े मैं एक्स्ट्रा कपड़े रखता हूँ। इतना ही टाइम लगा बैग पैक करने में, इतना कुछ ज़्यादा रखना नहीं था ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ठंड होगी क्या वहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता। वैसे भी हमने चढ़ाई चढ़नी है तो गर्मी तो रहेगी, तो मुझे नहीं लगता जैकेट की ज़रूरत है, तो रहने मेरे मेरे शूज इनको भी रख देते हैं, फ्लोटर्स पहन के जाऊँगा पहले, तो अभी तो ड्राइव करना है तो चप्पल में आराम से कम्फर्टेबली, फिर वहाँ जब स्टार्ट करेंगे, मेरे को किसी ने बताया था वहाँ से पहले ना कि शावर लेना होता है बहुत ठंडे पानी का, तो वो लेने के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगा जब हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मंदिर एंटर करने से पहले होता है या पता नहीं चढ़ाई से पहले होता है, तो वो सारा इस व्लॉग में सब कुछ कवर होने वाला है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें डिस्कवर करूँगा, बताता रहूँगा व्लॉग में साथ के साथ ही। तो अभी चलते हैं पहले सबके पास, अभी ऑफिस पर जा रहे हैं, वहाँ पर सब इकट्ठा होंगे, उसके बाद हम निकलेंगे 11-12 के बीच। अच्छो वहाँ पर ना एक चीज़ और है, वहाँ पर प्रीपेड सिम काम नहीं करती, तो आपको या तो पोस्टपेड सिम रखनी पड़ेगी अपने पास, तो अब सिम काम नहीं करी तो ऑफकोर्स डेटा नहीं चलेगा और UPI पेमेंट नहीं होगी, तो जितना हो सके अपने पास कैश रखना अपने हिसाब से जो आप जितना स्पेंड करते हैं। ऑल डन, लेट्स गो। अभी मैं जा रहा हूँ शांत के पास, फिर वहाँ से अक्षय भाई आएंगे और मोनू आएगा, तो हम 4 लोग हैं फिलहाल चलने वाले। मेरा मन करता है ऐसे जितने दोस्त हैं ना, सारे 20-22 दोस्त होंगे मेरे बस, हाँ बस हैं, कि ना हम सारे एक साथ ही चले गए घूमने कहीं जाए, तो मतलब सब ऐसे ट्रेन में हो चाहे गाड़ी में हो चाहे फ्लाइट में हो, पर सारे साथ हो। नो अननेसेसरी होंकिंग। व्लॉग बना रहा था ना मैं, तो शार भाई कुछ टिप्स दे रहे हैं। अच्छा भाई, हम कब निकलेंगे, कब तक पहुंच जाएंगे? भाई हम अभी निकल रहे हैं, मान लो अगर हम अभी निकल गए क्या कहते हैं 12 बजे, तो हम भाई सुबह के 12 बजे तक पहुंच जाएंगे इन आफ्टरनून। फिर भाई हम कब स्टार्ट करेंगे चढ़ाई? भाई हम रेस्ट करेंगे भाई 2 घंटे, फिर हम भाई उसके बाद अपने माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करेंगे। बस थोड़ा सा दुख ये रहेगा हमारे साथ सुमित भाई और ऋषि भाई नहीं जा रहे। तुषार की तो पहले मना थी, उगी जाड़ा कड़ी पड़ी है, तना कड़ी दिख रही है इसकी भाई, अगर रहा है ना बोलता है भाई, तू फिर एटीट्यूड दिखा रहा है। प्रशांत ने अपनी जाड़ का ऑपरेशन कराया था इसने, तो फिर जब से ऐसे गुस्सा होके बैठा, सबसे रूस रखा है। मैं बीच में हूं, मैं भी देखूंगा बीच में, इधर हो इधर, हां ये रहे रहे, आ गया आ गया, रोज नहीं घूम आ ये। जय माता दी, जय माता दी, रॉक्स फोन मार दो उस पे, 12 बजे जय श्री राम, जय माता दी, जब अपन दूरी आ गई। मोना ओए अक्षय, हां अक्षय का बैग फेंक देनी चाहिए, अरे बहुत जगह है इसमें, पहली बार ट्रिप पे तेरे हाथ में बैग देखा और कच्चा देखी। जय माता दी, जय माता दी, चलें भाई
जय ओए ओए बदतमीजी बंद कर क्या बात थी बोलो बाबा जय बाबा लटूरिया महाराज की जय बोल जय माता दी जय जय ओए क्रिश्चियन Too much traffic, guys. पसंद नहीं है ए, कि यो डाल ले तो आता ना डाल लेने दे फिर कौन से डाल भाई डाल के दिखा तू इसको अगर मैं बाइक दे अच्छा ना मैंने कहीं भी ना अड़े का बर्गर तुमने कोई ना कैसे लगा भाई आपको खाना यहाँ का ठीक था बारिश अच्छे भाई आओ आजा उसने बोला था फोन गिर गया अब हमने अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कर लिया है अब हम लोग निकल चुके हैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कर ले अरे कुछ तो अच्छा मिलता है उसमें मून ने सैंडविच खाया और सौफ खा रहा उसके बाद में अक्षय भाई बता रहे हैं रास्ते में बर्गर किंग सीसीडी वगैरह सब और मोनू शॉप रखा है इस चीज से कि ऐसा भी है स्टारबक्स भी है मोनू स्टारबक्स भी अरे यार मोनू शिट यार तेरा स्टारबक्स का कार्ड कहाँ यूज करेगा अब तू पोकी इंसान क्या पहन के चढ़ेगा मोनू तो मैं भाई सिजारो पहनूंगा ईशान भाई ड्राइव कर रहे हैं अक्षय भाई बैठे हैं आर्मरेस्ट पे हाथ रख के फोटो नहीं खींच पाई मैं कैमरे ढूंढ रहा हूँ भाई बैंगन खिंचवाई अरे खेच ली तो मैं उतर तो गया था भाई कह रहे हैं कश्मीर सेफ नहीं है फिर क्यों ले आए भाई हमें भाई मैंने ये भी बोला सेफ नहीं है मतलब कि कश्मीर इज द बेस्ट पार्ट हां बेस्ट तो है वो थोड़ा बहुत तो भाई अब जैसे चल रहा है देखना पड़ेगा ना आए हैं बाकी मोनू साथ अरे भाई हम तो माता के दर्शन करने आए हैं भाई हम तो वैष्णो देवी आए हैं भाई इसकी शक्ल देख एक बार दिखा मैंने सोते हुए देखा देख फ्रेंड्स को ना जेलेसी की प्रॉब्लम है जेलेसी अरे भाई सुपर आई होप पी जल्दी क्योर हो जाए वही तो यार तुसु करना था ना तो तुम दोनों जा सकते थे अंदर गए और लॉक कर लिया तो फिर मेरी दो नहीं है ना तो वो बंद कर दे की दिखा रहा और एक सवा एक घंटे में पहुंच जाएंगे गाइस ड्राइविंग सीट पे है हमारे विन डीजल मिलावत वहां जाना है हमें भाई बहुत ऊपर दिख रहा है यहां से मंदिर टाइम तो लग गया चढ़ने में पर मजा आएगा मैं लगा दूंगा चल चेक इन कर लिया अब हमने अब हम थोड़ी देर सोएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा मंदिर ऐसा कुछ भी हो यहाँ के होटल के बाहर
काफी सही रूम मिल गया हम लोग। कौन अंदर? चलो गाइस थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। बस एक प्लीज, बस एक बार प्लीज, एक बार प्लीज भाई, एक बार प्लीज, ऐसे सोना एक बार। अच्छा करोगे सही कभी से। वेलकम बैक गाइस, मोन उठ चुका है, ईशान और अक्षय भाई सो रहे हैं अभी, हम दोनों इतने रेडी होंगे फिर ये थोड़ी नींद पूरी कर लेंगे, रेडी होके हम लोग निकलेंगे, 6 बजने वाले हैं, हमारा टारगेट है 7 बजे से पहले हम लोग चढ़ाई करना शुरू कर दें। वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ। पता ना भाई घर क्या ने दिया है कि सिरम। जय माता दी, जय माता, जय माता दी। वो आईडी बनती है यहाँ पे ऊपर चढ़ने से पहले कि खो हो जाओ तो मिल जाओ, तो स्कैनिंग वैनिंग होगी आपको, आधार कार्ड का फोटो दिखाना है आपको, उसके बाद आप पे एक आईडी कार्ड बना देंगे कि आप ऐसे वैष्णो देवी आए हो। देखते हैं उसके भी कुछ चार्जेस होंगे, वो बताऊँ ऊपर जाके, और फिर लगा के माता की चुनरी बांध के जय माता दी। चढ़ाई पे पहले तो कार्ड लेंगे, कार्ड लेंगे, कार्ड लेके फिर अपना चढ़ाई चल लूं, 200 रुपया चलो एक आदमी का। अरे ना, 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 अरे भाई मजाक मजाक मजाक, सीरियस नहीं। आपका नाम क्या है भाई? हरगेश कुमार। हरगेश भाई, हमें हरगेश भाई लेके जा रहे हैं आईडी कार्ड बनवाने, फिर ये कि हमें थोड़ा सा ऊपर छोड़ देंगे जहाँ से हम अपने ट्रैक शुरू करेंगे। आप जाते रहते होगे भाई ऊपर? आप तो बहुत जल्दी आ जाते होगे, कितना टाइम लगता है तुम्हें? दो ढाई घंटे। दो ढाई घंटे में ऊपर नीचे? अच्छा, भैरव मंदिर से बात करो। अच्छा, 3 घंटे, आधा घंटे ऊपर होता है, ज़्यादा नहीं है। इस लाइन में पहले घुसना अंदर, यहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह कुछ लेंगे, पेमेंट होगी जितनी वो देंगे, फिर यहाँ से आउट होते हुए बाहर लेते हुए कार्ड। जय माता, वहाँ जाना है हमको। बारिश हो गई थी तो हमने रेनकोट पहन लिया गाइस। आवाज नहीं आई। जय माता दी। बारिश डॉक्टर सालुंगे, डॉक्टर सालुंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी ऑप्शन है किसी के लिए, थोड़े से जो लोग नहीं चढ़ पाते, कोशिश करना कम से कम यूज़ करो आप इनका, जैसे चल के भी आ रहे हो थोड़ा दूर दूर जा करो, टक्कर टुक्कर ना मारो, जानवर इनको क्या पता बेचारों को, देखो अकेला जा रहा है। बादल, जय माता दी, जय माता, जय बाबा लटूरिया जी, हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चढ़ाई हमने चालू कर दी है, अब देखते हैं भाई हमें कितना टाइम लगेगा, कितने लगभग 8 बजे, लगभग 8 बजे हमने शुरू कर दी। भाई बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल थकावट नहीं हो रही, काफी हमने कवर कर लिया है वैसे, बस मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सही है, कुछ मतलब दिक्कत वाली बात है ना, सांस फूल ना कुछ, आराम आराम चल रहे हैं। और पता क्या, जैसे ये करते ना कि भाई भाग के चल जाऊँ, ये कर जाऊँ, वो कर जाऊँ, उसका कोई मतलब नहीं है भाई, ओड मोड नहीं होता। भैया ऊपर जाना है, स्कॉर्पियो फॉर्चुनर कुछ करवा दो। हमने ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर कवर कर लिया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा तो नहीं मतलब 5 किलोमीटर होगा, बट सही है। एक फ्लुएंट में चल रहा हूँ ना, फ्लुएंट अबे तो आगे लंबी है ना, भटकना क्यों वो रहा मंदिर। जब से आदमी प्यासा भूखा एक किट किटकैट खा के बस इतना चढ़ा है। चलो चलो हम सीढ़ी पे चढ़ गए ना तुम। अरे यो हम खाना भी आयो ना, बोला मैं चढ़ूंगा। कितना और रह गया वो अक्षय भाई? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर
Really? बहुत तेज भूख लग रही थी भाई, अभी रास्ते में मिला हमें खाने का, खुद ने थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, कुछ खा के निकलेंगे आगे। धुंध उड़ती आ रही है ले भाई, ऐसे कमर पे ठंडी वो लगी बहुत सार सी, पसीना भी तो है अंदर, कोई पता नहीं दिसंबर। डेढ़ किलोमीटर और रह गया, मोनू चले जा रहा है नॉन स्टॉप आगे, पर आगे जाके वेट ही करेगा हमारा क्योंकि अक्षय भाई शांत थोड़ा स्लो चल रहे हैं, तो मैं बीच में हूँ, कभी मोनू से मिल रहा हूँ कभी अक्षय भाई से। हेलो अंकल, क्योंकि उसके बाद हमें भैरव मंदिर पर भी जाना है, क्योंकि भैरव मंदिर थोड़ा सा ऊपर है वहाँ से, और वहीं से रास्ता से घूम के हम दूसरी साइड से नीचे आ जाएंगे। वही अभी टाइमिंग इतना हुआ मेरे ख्याल से 2.5 घंटे हुए टोटल हमें, और 1 घंटे में 3-3.5 घंटे में चढ़ जाएंगे, वैसे ही 2-2.5 घंटे में उतर जाएंगे, 4 बजे तक अपने होटल होंगे। ये आ गए लोग, हो रहा बंदे प्रसाद लिया अभी हमने, यहाँ पे डोमिनोज की आउटलेट भी है सागर रत्न की है, तो यहाँ पे सब वेज ऑफ कोर्स और नो अनियन नो गार्लिक ऐसे ही मिलेंगी सब ब्रांचेस। हम लोग बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए, बस मंदिर में एंटर होंगे, उससे पहले ना लोग फ़ोन वगैरह यहाँ पे लॉकर में रखवाते हैं, तो बस अब हम फ़ोन रख देंगे अंदर, फिर अंदर दर्शन करके बाहर आके फ़ोन लेके फिर जाएंगे भैरव मंदिर। बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए हमारे 5-10 मिनट के अंदर ही, एक तो लाइन भी कम थी, प्लस अक्षय भाई की थोड़ी सी अक्षय का कुछ नहीं था भाई, झूठ बोल रहे कुछ भी नहीं था, हमने जो अपना मेहनत करी हम करके आए, मेहनत है बस। जय माता दी, जय माता दी। अक्षय भाई ने लॉकर वगैरह अरेंज करवा दिया, कुछ नहीं इसने नहीं करवाया भाई, कुछ भी कुछ चुकाऊंगा भाई, चार करा ले। फिर वहाँ पे दर्शन करके फिर उसी साइड से ही उतरेंगे, क्योंकि अगर भैरव मंदिर नहीं गए तो हमारे दर्शन अधूरे। आप भी कभी आए तो जरूर भैरव मंदिर से होते हुए आए। ये रास्ता है नॉर्मल प्लेन, और यहाँ से खड़ी चढ़ाई, वो तो अक्षय भाई कह रहे हैं सीढ़ी से जाएंगे, तो वहाँ से नीति गाइस आगे से सीढ़ी, सिर्फ 2 किलोमीटर है यहाँ से, फाइनली सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी चढ़ाई है आगे। ये भैरवनाथ का मंदिर है, इसके लिए तो ऊपर आ गए, बना हुआ बहुत ऊपर है मंदिर, हमने सबसे नीचे से ना यही देखा था, जो अक्षय भाई दिखा रहे थे ना वो है मंदिर, वो है मंदिर, वो यही है। हमारे दर्शन हो गए कंप्लीट गाइस, माता के भी भैरव बाबा के भी, अब जाएंगे नीचे, देखते कितना टाइम लगे उतरने में, ये जाए बैटरी जब तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, वैसे हमने टारगेट देखा था 3 घंटे से कम में ही टाइम लगा ऊपर आने, इससे चला नहीं जा रहा, नाम ले रहा है शांत का बार बार। 6 घंटे हो चुके हैं हमें, शायद 2-2.5 घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे, नॉर्मल स्पीड धीरे धीरे, काफी नीचे जाना है भी हमें, बहुत नीचे है यार, वो देखना वो। अब थोड़ी नींद सी भी आ रही है, आंखों में जला के जला के जला के। भूख लग गई बहुत जोर से, इतना मुश्किल नहीं है, इतना लोग सोचते हैं ना, अरे मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई, श्रद्धा है अपनी, ये सब झूठ है, चलते हैं 10-12 घंटे कोई है ही नहीं इतने रस्ते का, तो भाई ये सिर्फ उनके लिए जो बेचारे जिनके घोड़े खराब हैं, या कि भाई मैंने देखा जवान जवान बच्चे बैठे हैं घोड़ों पे, बूढ़े बूढ़े अंकल बेचारे सीधा नहीं चला रहे उनसे, वो भी चल रहे हैं छड़ी लेके, भाई 800 है भाई, बहुत अच्छी बात है। 3 पावर रेंजर चल रहे हैं। अर्धकुंवारी मंदिर बहुत भीड़ है भाई यहाँ पर भी, मैं मैगडी में खाएंगे, गर्म पानी में रिलैक्स मोड में डाल देगी, अरे भाई इसकी आदत पड़ जाती है लोगों को रिलैक्स करने की, पता है कर ले फिर, अरे बेकार है भाई। फाइनली गाइस उतर गए नीचे, ओ भाई बहुत थकावट हो गई यार, एक तो मसाज वाली ओवर ली मंदिर, भाई कहाँ से आ रहे हैं यहाँ थे भाई, हम यहाँ थे बड़े, हम खड़े थे भाई, बहुत जल्दी उतर गए हम, पता है इस बार हमने सीढ़ियाँ ली, मतलब अक्षय भाई मना करते सीढ़ियाँ लेने के, पर सीढ़ियों से काफी जल्दी हम नीचे आ गए, बहुत चलो भाई हैं, चल चल जल्दी आ बैठ, हम एक्टिंग कर रहे हैं भाई, मेरे को तो बहुत आराम मिला, मतलब मेरे को इतना फिर से आराम नहीं, पता फोटो उठा था मेरा पार्ट का, अच्छा
भाई अक्षय भाई को सब कैसे पता होता है यार इस आदमी को। भाई अक्षय भाई को ये भी पता था कि बारिश नहीं होगी, अब बारिश नहीं हुई। भाई को ये पता था हम 5 बजे आ जाएंगे, 5 बज रहे हैं अभी, इट्स 5 o'clock। वापस आ चुके हैं अब हम लोग, बहुत थके हुए हैं सारे भाई। जब हम सोने जा रहे हैं अब इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे कल, माने कि आज 12 बजे के बाद, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं घर अपने। उठने के बाद देखते हैं कौन की देर में उठेगा। चेकआउट के टाइम पे हमारा टारगेट है उठने का, तो मुझे नहीं लगता ये लोग उठेंगे, मैं तो उठ जाऊँगा शायद। गुड मॉर्निंग एज यूजुअल, तुम्हारा भाई सबसे पहले उठ के रेडी भी हो गया, बैग भी पैक कर लिया, और बस ये लोग धीरे धीरे उठेंगे फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। बस अब मैं बैग रख दूँ गाड़ी में, गाड़ी गेट की तरफ खड़ी कर देता हूँ। जूस पी लिया बढ़िया सा चुकंदर का, मौसमी मिला के केले लेके जा रहा हूँ बच्चों के लिए। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं इसको, इतने जय श्री शंभू। अक्षय भाई को ये दुकान वाला भी जानता है भाई। अक्षय भाई ने जाते बोला क्या ले, कह रहे अरे भाई बड़े दिनों में दर्शन दिए। आगे रख दे, चलो जय हो बजरंगबली। टायर पंचर है नहीं क्या कोई यहाँ? पंचर टाइम सीढ़ी पे ना उतर कैसे रहता, उतर के दिखा उतर के हंस रहा है। क्या कर रहा भाई? ऐसा लग रहा है पूरा अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है ये। कुछ नाश्ता हो जाए, थोड़ी बहुत तो बच्चा है। भूख लग गई। पंजाब में ही है अभी हम लोग, लगेगा टाइम 3:30 तक ही पहुँचेंगे घर, खाना पीना वाना खा के शायद 4 बजे, पर ठीक है सही आराम से जा रहे हैं। क्या हाल है भाई? सेफ्टी के लिए वीडियो चालू रख लेता हूँ, कुछ दिख जाए। फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से हमें फिर से गाँव कूचों में घूम घाम के जाना पड़ रहा है। मोनू का पिंडिस की हवेली थी एक पीछे, बढ़िया था भाई। सीधा जाना है कहीं पर, ये सीधा जाना। कीचड़ इतनी थी भाई, देखो चप्पलों का हाल, पैरों का, इसके ज्यादा और इतना कुछ। गाड़ी धुलवानी पड़ेगी भाई कल से। डिनर टाइम, दिन निकलने वाला है, 1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचने, फटाफट गाड़ी खींचते हैं घर पहुँचते हैं और भाई आराम करते हैं, फिर वीडियो भी एडिट करनी है। मैंने कोशिश करूँगा आज रात तक पोस्ट कर दूँ उसको, क्योंकि मैंने सोचा 2 पार्ट होंगे, बट फायदा नहीं है कि पार्ट में पूरा ब्लॉग कवर कर लेते हैं। आ गए हम लोग अपने होम टाउन किशनगढ़। भाई कैसा रहा आपका वैष्णो देवी का ट्रिप? भाई मजा आया भाई। भाई इससे पहले आप कितनी बार गए हो? भाई मैं महीने में एक बार जाता हूँ। तो मतलब आप अभी हो 28 साल के? मैं 28 का ना हूँ भाई, अभी 26 का हूँ। हाँ तो मतलब हिसाब लगा लो 150-200 बार तो आप चले गए भाई। यहाँ पे वो रखे होंगे ना पट्टे पुट्टे, आगे चलेंगे। हमारे यहाँ जैसे सैटरडे मॉल लगता है तो थोड़ा सैटरडे को प्रॉब्लम रहती है, अगर आप लोग किशनगढ़ गाँव आए तो सैटरडे को थोड़ा दिक्कत है। सो मेरा ये मानना है अक्षय भाई इस बार आपको सबसे ज्यादा मजा आया होगा, नहीं है ना? तुम बताओ तुमको कैसा भाई? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके रहते इतने बढ़िया, ऐसे सब दर्शन हो गया, बढ़िया हो गया सब अच्छे से। जय माता दी, जय माता दी। गाइस इस व्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।